वेलकम सिटी 42 के प्रोग्राम, हम और आपके साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आज़िमा मलिक। आज हम लिबर्टी मार्केट में हैं और मार्केट में आए लोगों से हम ये पूछेंगे कि आखिर खातीन जब किसी के घर जाती हैं तो दरवाजे पर रुककर उन्हें सारी बातें क्यों याद आ जाती हैं। आते हुए की भी बात कर सकते हैं और वापसी की भी बात कर सकते हैं। जब किसी के घर से वो निकलने लगती हैं तमाम बातें उन्हें उसी वक्त याद आती हैं और दरवाजे पर रुक के वो खासी बातें करती हैं। ये वजह पूछेंगे हम खातीन से भी और मर्दों से भी कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। इसके अलावा हमेशा की तरह आज के हमारे इस प्रोग्राम में रिडल्स होंगे, टंग ट्विस्टर्स होंगे, जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन होंगे। तो आइए हम लोगों से चिट चैट करते हैं। आइए अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जुनैरा। आपका नाम? वजिया। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ कि आप किसी के घर गई हैं मिलने के लिए, ठीक है, वापसी पर दरवाजे पर रुककर खातीन बातें क्यों करती हैं, क्या वजह है? सारी बातें उनको उस दरवाजे पर रुककर क्यों याद आती हैं? वो नेचुरल चीज़ है, अंदर क्यों है? वही तो पूछ रही हूँ आज मैं कि ऐसा क्यों है। खातीन ऐसी करती हैं जो एकदम दिमाग में आती हैं तो बंदा वहीं के खड़ा होकर शुरू कर देता है। मतलब ऐसा होता है कि खड़े होकर सारी बातें शुरू कर देते हैं, लेकिन क्या वजह है? वैसे भी तो आप मतलब के जब घर बैठे होते हैं काफ़ी मतलब कि हमारे पास टाइम होता है, हम बातें कर सकते हैं कई घंटों के लिए। आप किसी की तरफ जाते हो, सारी बातें उस दरवाजे पर क्यों याद आती हैं? खाली वो एक ही बंदा होता है, उसे निकल तो जाता है, ये बात रहना चाहिए भी बता दें, बाद में लेट हो जाएंगे। ऐसे ही है? ऐसे ही है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जनरल नॉलेज कैसा है आपका? दुनिया का ऐसा कौन सा मुल्क है जिसमें कोई दरिया नहीं है? नहीं पता? नहीं नहीं, नहीं पता। चलिए कोई नहीं, दूसरा क्वेश्चन आपसे कर लेती हूँ। आप मुझे ये बताएं कि दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क रकबे के एतबार से कौन सा है? इस्लामिक मुल्क। इस्लामिक जाने यार, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो बिल्कुल फारिग हूं। चले, कॉमन सेंस कैसी है आपकी? पहली पूछूं कोई आपसे? चलें पूछ ले। हां, मुझे बताएं कि चलना है उसका काम, सर पर पड़े तो वो है बदनाम। चलना बहुत आसान। सदा से चलना है उसका काम, सर पर पड़े तो वो बदनाम। डंडा? डंडा डंडा चलता तो नहीं है, हाँ लेकिन किसी को मारते तो जरूर चलता है। चले, टंग ट्विस्टर करवाते हैं आपसे। I wish to wash my Irish wrist watch, इसको आप 5 दफा बोलें। I wish to wash my Irish wrist watch. 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 ट्राई करें। I wish to wash my Irish wash. I wish to wash. इतनी जल्दी की कोशिश कर रही है, सारे लव्स ही खाती जा रही है। I wish to wash my Irish wash. Wrist watch. I wish to wash my wrist watch. अच्छा, आप शेयर क्या करेंगे? कोई रेसिपी, कोई ब्यूटी टिप? कोई सबसे आसान, चले फिर कोई गाना सुना दे। आप उन्हें बताते जा रही हैं, आप कुछ बता दें। कोई रेसिपी, खाना तो बनाती हूँ। नहीं बनाती? क्या बात है, आप कैमरे के सामने देखिए जरा, आपको लोग हंसते हुए। चलिए कोई रेसिपी शेयर करें। यार अब मैं दही बल्लो वाली बता दो। दही बल्लो की? वाह, बता दो। एक प्याली माश की दाल, एक प्याली मूँगी की दाल, इसको सारी रात भिगो दें और सुबह के टाइम पे उसको जो है वो शेकर में शेक कर लें। और फिर उसकी दही के लिए आप 1 किलो दही लें, उसमें 1 पैकेट क्रीम का और 1 पैकेट एक बॉक्स जो है वो उसका की दही डाल दें। उसमें नमक और कुटी हुई लाल मिर्च और ज़ीरे को भून के तो उसको पीस के डाल दें। और उसका जो चाट मसाला है वो बनेगा नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और उसमें भी ज़ीरा भुना हुआ पीस के, और साथ चाट मसाला जितना जितनी क्वांटिटी में ये आप 3 चीज़ें डालेंगे उतनी क्वांटिटी का चाट मसाला मिक्स कर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी रेसिपी आपने शेयर की है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप कुछ शेयर करना चाहेंगी, कोई मैसेज देना चाहेंगी? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? कश्माला। आपका नाम? अली। कश्माला का मीनिंग? रेड रोज। रेड रोज, ओह माय गॉड। कभी रेड रोज मिले? हाँ, इन्होंने दिए थे। इन्होंने ही दिए थे आपको? अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ऐसा क्यों होता है, आप पहले इनसे मैं क्वेश्चन करती हूँ, ठीक है? ऐसा क्यों होता है कि ख्वातीन जो हैं किसी के दरवाजे से जब वो घर वापस जाने लगती हैं किसी के घर से, टाइम मतलब निकाल के मिलजुल के, तो उन्हें सारी बातें उसी वक्त में याद आ जाती हैं, दरवाजे पर रुक के बातें शुरू कर देती हैं, ऐसा होता है? नहीं होता, डेफिनेटली नहीं। क्यों, ऐसा क्यों होता है? ये दिमाग में खिचड़ी चल रही होती है, निकालनी होती है ये। कौन सी खिचड़ी? हल्का करना होता है। जैसे कि वो पेट हल्का उस दौरान क्यों नहीं कर सकते, उस दौरान जब वो बैठे होते हैं उस वक्त क्यों नहीं बातें करते? बस एंड टाइम पे इनको याद आता है कि ये बात भी रहेगी, ये मेरी ये गेट पे जाके गिरनी है। औरतों के बारे में ये बात मशहूर है ना कि एक औरत होती है वो हर 2 घंटे में कॉल करती है फ़ोन के ऊपर, हर बार 2 घंटे 2 घंटे। एक बार कॉल आती है सिर्फ हाफ एन आवर बात करती है, उसका हस्बैंड पूछती है आपने हाफ एन आवर बात क्यों की, कहते ये तो फिर रॉन्ग नंबर आया हुआ था जी, सिंपल हाफ एन आवर बात की। आपकी क्या ख्याल आते हैं इस बारे में, ये लेडीज़ के बारे में बस? ऐसा क्यों होता है, वो पहले भी तो कर सकती हैं, आप किसी से मिलने गए हो आपका मीटअप, इनकी बातें ख़त्म होती ही नहीं है, ठीक है? वो पहले जो है घर में बात करेंगी, फिर गेट तक जाएंगी, उनको कोई और बात याद आ जाएगी, इनकी बातें टॉपिक तो ख़त्म होने नहीं, कोई नया टॉपिक स्टार्ट। जब तक कोई अपनी गाड़ी में बैठ नहीं जाता, जब तक सी ऑफ नहीं कर जाती, उनकी बातें खत्म नहीं होती है। और बाज़ वक़्त तो ऐसे भी होता है कि घर जाके कॉल फिर से कॉल कर लेती है ना, कि कैसा लगा, मिले, कैसी कैसी है ना, इस तरह मरोड़ होती है ना पेट में, निकालना होता है पेट। अच्छी बात है, गपशप करनी चाहिए, इस तरह ही तो जिंदगी चलती है। अगर हम बोलना छोड़ देंगे, खातिन बोलना छोड़ देंगे, किसी बॉय को देखे ज्यादा बातें करते हुए नहीं, ये नहीं ये देखे जरा कितनी बातें करे खातिन को लेके, और खुद वो कह रही कितना बोलते हैं। बाकी मर्दों की नेचर होती है ज्यादा बोलना, औरतों की तरह होती है, मेरे सामने एग्जांपल है। अच्छी बात है, नहीं तो आप तो एग्जांपल नहीं है मेरा, एक्चुअली काम मार्केटिंग का है तो बोलना, मैं बोलूँ की मार्केटिंग नहीं कर सकता। ये बात है, तो ये मेरे फील्ड का मेरे पास। अच्छा, आप मुझे बताएं कि जनरल नॉलेज कैसी है? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। कुछ दुनिया का ऐसा कौन सा मुल्क है जिसमें कोई दरिया नहीं है? दुनिया का ऐसा कौन सा मुल्क है? जापान। नहीं जी, एक ही है। ऑप्शंस मैं नहीं दे सकती, एक ही है पूरी दुनिया में, एक ही है। यस, एक हिंट मिल सकता है? नहीं जी, नहीं, छोटा सा हिंट। में यूरोपियंस में नहीं है। सब कॉन्टिनेंट में? नो। अमेरिकन? नो। अब मैं सारा कुछ बता दूं, मैं ही बता दूं, नाम भी बता दूं? नहीं। कौन सा हो सकता है कंट्री? ऑस्ट्रेलिया? नहीं, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं। इंडिया? नो। यस। पानी कहाँ से पीते हैं? बस पता नहीं, हम देने जाते हैं उन्हें पाकिस्तान के पास। हमारे पास अपने पास पानी नहीं होता, सड़कों पे खड़ा होता पीने के लिए, नहीं होता। देखिए, हमारे पास नहीं है, गुजारा हो रहा है ना, तो उनके पास भी नहीं है, उनका भी हो रहा होगा। कोई और चीज पूछे सवाल? चलिए कोई और सवाल पूछ लेते हैं। आप मुझे बताइए कि रकबे के एतबार से दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क कौन सा है? टर्की? नो। इंडिया? नो। इस्लामी नहीं है। इस्लामी मुल्क? इंडोनेशिया? दुबई? दुबई भी नहीं है। करते हैं वहां तक जाती है। इस्लामी ममालिक? दुबई से रिलेटेड कोई है इस्लामिक वाली? सऊदी अरब? नो। मुझे आ रहा है थोड़ा सा, नहीं ईरान इराक? नहीं, ये है पॉपुलेशन के लिहाज से, रकबे के लिहाज से। आखिरी वर्ड बता दें फिर हम बता देंगे आपको। रहने दे, छोड़ दे, इस चैप्टर को क्लोज करें। आप मुझे बताएं कि कॉमन सेंस कैसी है, दिमाग चलता है? आजकल नहीं चलता। आजकल क्या हुआ, आजकल क्या वजह? हॉस्पिटल से आ गए। दिल टूट गया। का दिल टूट गया? इनका दिल? कैसे टूटा? टूट गया है, दिमाग कॉमन चल रहा है। दिल टूटा है तो दिमाग चलना चाहिए। चलिए बताएं आपका दिल कैसे टूटा? दिल कैसे टूटा है? अगर दिल टूटा होता तो आप जिंदा ना होते? नहीं, ये तो वो वाला टूटा ना जो नॉर्मली जो टूटता है, जो नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, जो नॉर्मली जो टूटा फटा दिखाते हैं वो वाला टूटा है। ओह माय गॉड, सच में फिर शायरी हो जाए। कौन सी बताएं? ये भी मैंने बताना है। आप किसकी शायरी सुनने पसंद? ये शेर व शायरी में तो पढ़ ही जाते हो आप। सॉन्ग नहीं सुनेंगे आप? चलिए सॉन्ग सुना दे। कौन सा सुनेंगे? कोई पाकिस्तानी? इंडियन नहीं सॉन्ग कोई? नहीं, सभी पाकिस्तानी। चले मैं सुनाता हूँ, एक सुनाता हूँ। सुनाए, माइक देंगे मुझे। चुप क्यों हो तुम, बोलो जरा,
क्या मुझसे छुपा रहे हो, मिलते नहीं मिलते भी तुम कहाँ दूर जा रहे हो। हमने तो की थी दिल से वफा, पर तुमने कैसा सिला ये दिया। नहीं करना दिल ने दोबारा भरोसा, यार तेरा भरोसा यार तेरा। बहुत अच्छा गाना गाया आपने, आप क्या शेयर करोगे? मैं कुछ भी नहीं करूँ, कुछ भी नहीं, कोई ब्यूटी टिप भी नहीं, ये ब्यूटी टिप रेसिपी, ब्यूटी टिप आई थिंक जो ब्यूटी टिप है ना, इसमें वाटर ना पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए ब्यूटी टिप में, इससे आपकी स्किन ना ग्लो रहती है। इनका कहना ये है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए अगर आप चाहते हैं आपकी ग्लोइंग स्किन हो, ऐसा ही है। चलो टंग ट्विस्टर करवाती हूँ आपसे, ठीक है? कुछ अल्फाज बोलूँगी, उनको आपने 5 दफ़ा रिपीट करना है। सबसे पहले आप करेंगी, I wish to wash my Irish wristwatch. I wish to wash my Irish wristwatch. ये तो मुश्किल है। इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप समझ रहे हो मुश्किल है, असल में है नहीं। पहले से भी करवाएं। जी पूछें। I wish to wash my Irish wristwatch. 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 I wish to wash my Irish wash. I wish. चार बार तो अटेम्प्ट ट्राई करें। एक बार रिपीट करना। माइक तो आपने पकड़ लिया, चले जाए। I wish to wash my Irish wristwatch. I wish to wash my Irish wristwatch. नहीं, चलो ट्राई करते हैं। आई विश टू वॉश माई आयरिश रिस्ट वॉच। 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 बस ठीक है, खुद 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 किया नहीं है और देखो जरा। चले ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगे। ओके, व्यूवर्स, लोगों के साथ चैट का गपशप का सिलसिला जारी है, आप कहीं मचाइएगा, हम आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आइए हम कुछ मजीद लोगों की जानिब चलते हैं, उनसे चैट करते हैं। आइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम, क्या नाम है आपका? बुशरा। आपका नाम? अच्छा, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ऐसा क्यों होता है कि जो खातीन हैं जब किसी के घर जाती हैं, मीटअप हो जाता है, मिलजुल लेती हैं, सबसे गपशप भी कर लेती हैं, लेकिन जब दरवाजे पर खड़ी होती हैं, निकलने लगती हैं अपने घर के लिए, सारी बातें उन्हें उस वक्त याद आ जाती हैं, ऐसा क्यों है? पहले तो आप बताएं। मुझे इस बारे में कोई पता नहीं, लेकिन होता है, ऐसा ही है। ऐसा होता है, लेकिन क्यों? कभी इंसान सोचता है ना कि यार ऐसा क्यों है, आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? पता नहीं, दो लम्हे कीमती होते हैं, इसलिए उनको सारी बातें वैसे याद आ जाती, पहले का नहीं पता नहीं। बड़ी अच्छी आपने बात की कि शायद उन्हें लगता है कि ये लम्हे बड़े कीमती हैं, फिर मिलेंगे कि नहीं, फिर पता नहीं मिलेंगे कि नहीं। अच्छा, आप बताओ, आप क्या सोचते हो इस बारे में, ऐसा होता है ना? हाँ, होता तो है, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, लेकिन हम सब सारी बातें कर रहे होते हैं ना, अचानक जाते वक्त इस तरह होता है कि कहीं हमने ये नहीं कहा, वो नहीं कहा, वो भी हम कह लें, तो वो फिर ज़्यादा टाइम हमेशा गेट पे ही लगता है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जनरल नॉलेज कैसी है? अच्छी है। अच्छी है। चलिए फिर आपसे पहले क्वेश्चन करते हैं, दुनिया का ऐसा कौन सा मुल्क है जिसमें कोई दरिया नहीं है? कुवैत। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आपसे क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क रकबे के हिसाब से, इस्लामिक मुल्क कौन सा है? रकबे के हिसाब से जनरल नॉलेज के अलावा कुछ पूछ लें, कॉमन सेंस का क्वेश्चन करूं? कर। 3 हर्फ से मैं बना हूँ, ठीक है, बच्चों का मैं साथी हूँ, मेरी वजह से वो मार खाएं, लेकिन फिर भी सदा से मैं बाकी हूँ, पहेली है, क्या होगा? पढ़ाई। सॉरी, मुझे सोचो तो सही। दोबारा बोलें। 3 हर्फ से मैं बना हूँ, बच्चों का मैं साथी हूँ, मेरी वजह से वो मार खाएं, फिर भी मैं सदा से कायम हूँ। जूता।
नहीं, जूता कैसे, जूते की वजह से मार नहीं खाते। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं। एक दूसरी पहेली पूछूं आपसे। सदा से चलना है मेरा काम, सर पर पड़े तो वो बदनाम। सर पर पड़े तो वो बदनाम, जूता। बिल्कुल ठीक आंसर किया। अच्छा आपसे मैं कुछ पूछ लेती हूँ कि ये जॉगिंग पसंद है कि हाइकिंग? जॉगिंग। क्यों? क्योंकि मुझे हाइकिंग से बहुत ज़्यादा डर लगता है। हाइकिंग से डर लगता है। अच्छा फेम के मनी? नो। कुछ भी नहीं, दोनों में से कुछ भी नहीं चाहिए, कोई एक चीज़ चूज करें ना। फेम के मनी, दोनों में से आपको क्या चाहिए, फेम चाहिए कि मनी चाहिए? इतना सोचना कुछ भी नहीं चाहिए, ना फेम चाहिए ना मनी चाहिए। आपकी मामा है? हाँ। मारी है। अच्छा आप बताओ, फेम के मनी? दोनों चीज़ें वक्ती हैं। चीज़ें वक्ती हैं, वक्ती हैं। नहीं मनी तो आप कमा सकते हो, एंड कमा तो सकते हैं लेकिन ज़्यादा देर तक तो नहीं ना वो चलेगी साथ। हाँ चलो जी। अच्छा जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आप मुझे ये बताओ कि शेयर क्या करोगे, कोई ब्यूटी टिप, कोई रेसिपी, गाना, कोई शेर व शायरी, आप कुछ भी शेयर कर सकते हो। शेर सुना दे। ओके। रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट कर बिखरा नहीं करते। ज़बरदस्त जी, आप क्या शेयर करेंगी, रेसिपी बता दें? ब्यूटी टिप? कुछ क्या वजह है, क्यों है वो मैं सामने आना नहीं चाहती। चलो आप बालों के लिए है कि अक्सर लड़कियां होती हैं जिनके सर्दी में बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, गिरते हैं, तो उसके लिए है कि अगर आप कोस्टर ऑयल लेकर ना उसके अंदर एग मिक्स करो ना, सिर्फ उसकी क्या कहते हैं जर्दी मिक्स करनी है, और सिर्फ नहाने से आधा घंटा पहले लगाएं तो आपकी सिकरी और ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और बाल भरना शुरू हो जाएंगे। आपसे मैं टंग ट्विस्टर करवाऊँ? करवाएं। आई विश टू वॉश माई आयरिश रिस्ट वॉच, इसको 5 दफ़ा रिपीट। ये नहीं हो पाएगा जी। बहुत शुक्रिया, कोई बात नहीं, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नबील। आप मुझे बताएं कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? मिसेस के साथ शॉपिंग के लिए आए। अपनी मिसेस के साथ शॉपिंग के लिए आए हैं। आप मुझे बताएं कभी आपकी मिसेस ने ऐसा किया कि किसी के घर में जाती हैं, वापसी पर निकलते हुए उन्हें सारी बातें उस दरवाजे पर खड़े होकर याद आती हैं और आप अनोय हो जाते हो, कैसे क्यों है? नहीं नहीं, मेरी मिसेस बहुत अच्छी है, ऐसी कोई बात नहीं है। सामने खड़ी है ना इसलिए कह रहे हैं। वो हकीकत है। नहीं अच्छी बुरी की बात नहीं है ये। अच्छा अगर कोई दरवाजे पर खड़े होकर रुक के बातें करती है तो उसमें बुराई कोई नहीं है? नहीं नहीं, वो कोई बात नहीं करती, वो गॉसिप वगैरह नहीं करते ऐसे। गॉसिप वगैरह नहीं, बल्कि बैक बाइटिंग तो बिल्कुल भी नहीं करती। बैक बाइटिंग भी नहीं, गॉसिप भी नहीं कि जब किसी के घर जाती हैं तो मिलती हैं और बस दरवाजे पर खड़ी नहीं होती, फौरन से निकल के आपके साथ बैठ जाती हैं। हां एग्जैक्टली ऐसे। अच्छा ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि जनरल नॉलेज कैसे आपका? बस सोसो ही है। सोसो ही है। क्वेश्चन कर लेती हूं आसान सा, दुनिया का ऐसा कौन सा मुल्क है जिसमें कोई दरिया नहीं है? कोई दरिया नहीं है, कौन सा ऐसा मुल्क है? सॉरी, रकबे के एतबार से दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क कौन सा है? सऊदी अरेबिया। नो, सऊदी नहीं है, फिर मिस्र होगा। नहीं, कॉमन सेंस के क्वेश्चन पूछूं आप? जी जी प्लीज। सदा से चलना है उसका काम, सर पर पड़े तो वो बदनाम। सॉरी। अच्छा चलो आप टंग ट्विस्टर करवाती हूँ आपसे, ठीक है? कुछ अल्फाज बोलूँगी, आपने उन अल्फाज को 5 दफ़ा रिपीट करना है। आई विश टू वॉश माई आयरिश रिस्ट वॉच। आई विश टू वॉश माई आयरिश रिस्ट वॉच। 5 दफ़ा स्पीड में बोलें। आई विश टू वॉश माई आयरिश रिस्ट वॉच। आई विश टू वॉश माई आयरिश। ट्राई करें, सही कर रहे थे आप। आई विश टू वॉश माई आयरिश wrist watch. I wish to wash my Irish 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 wrist watch. ठीक है जी, आप शेयर क्या करोगे? आपको गाना आता है? नहीं। आवाज कैसी है आपकी? मैं बहुत बुरा सिंगर। बहुत बुरे सिंगर हो, बहुत अच्छे सिंगर हैं मैं बता सकती हूँ। मुझे आपकी शक्ल देख के अंदाजा हो गया कि आप गाना गा सकते हैं। आपकी वाइफ से पूछ लूँ, देख लेना, बताएं ये गा सकते हैं कि नहीं?
गा सकते हैं, वो ऐसी मजाक कर रही है, गा सकते हैं। तो आप कैमरे के सामने आके आपको अपने टैलेंट्स को शो करना चाहिए, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो हम नहीं चलाएंगे। नहीं नहीं, आप ट्राई तो करें। ना जाने कब से उम्मीदें कुछ बाकी हैं, पलकों में तेरी याद क्यों आती है ना जाने कब से। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अस्मिना जावेद। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप क्या कर रही हैं यहाँ पर? हम बस शॉपिंग के लिए आए। शॉपिंग के लिए आए थे, बड़ी प्यारी ड्रेसिंग की हुई आपने, बहुत क्यूट लुक है। थैंक यू। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ऐसा क्यों होता है कि खवातीन जब किसी के घर जाती हैं तो निकलते वक्त उन्हें सारी बातें उस गेट पर खड़े होकर याद आती हैं, बातों में लग जाती है? ये तो है, ये तो हर घर की कहानी है। ऐसा क्यों? बस वो पता क्या कहानी के पीछे लॉजिक बता दें। लॉजिक ये होता है कि वहाँ बंदा जब बैठा होता है ना तो समझो कि कोई बातें ऐसी होती है, लेकिन जब वो गिले भी करने होते हैं, शिकवे भी करने होते हैं उस घर की, उस घर की, उस घर की, फिर वो ऐसे 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 तो फिर फला हाँ भी वो बात भी याद आ गई, वो बात याद, सारे मोहल्ले की बातें वहीं मोहल्ले की बातें उस टाइम में ही होती है, उसी टाइम में होती है। और ये जो रविश है, ये जो आदत है, कभी खत्म नहीं होने वाली? नो 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 नो, बिल्कुल नहीं। आपने कभी ऐसा किया? आप भी ऐसे करती? हाँ जी, करती हैं। हाँ जी। और आपके जो जो भी मतलब जो मेल होते हैं वो तंग आ जाते होंगे कि बस भी कर दो, ऐसे होता है ना? बिल्कुल होता है, छोड़ दें, बस आ जाएं, आ जाएं, उनको जाने दें। अच्छा, आप मुझे बताएं कि जनरल नॉलेज कैसा है आप? इतना खास नहीं, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा, नहीं नहीं नहीं, दुनिया का ऐसा कौन सा मुल्क है जिसमें कोई दरिया नहीं है? आई थिंक कुवैत है ना? कुवैत इज द राइट आंसर। आपसे मैं दूसरा क्वेश्चन कर लेती हूँ, दुनिया का चलो दूसरा फिर नहीं करते, सबको पता लग गया आपकी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी है, ऐसा ना हो ना। कुवैत ही है वाकई, देख ले बड़ी अच्छी। अब दूसरा क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, ऐसा ना उन्हें आए ना। अच्छा, पहली पूछ लेते हैं। सदा से चलना है उसका काम, सर पर पड़े तो वो बदनाम। सदा से चलना है उसका काम, सर पर पड़े तो वो बदनाम। जूता। ठीक आंसर किया। अच्छा, टंग ट्विस्टर करवाती हूँ आपसे। नहीं, आप मुझे इनाम दे फिर मैं आगे बोलूंगी। इसका जवाब देंगी तो फिर इनाम मिलेगा, ठीक है? चलिए आपसे टंग ट्विस्टर करवाती हूँ, ठीक है? आई विश टू वॉश माई आयरिश रिस्ट वॉच, इसको 5 दफा रिपीट करें। आई विश टू वॉश माई आयरिश रिस्ट वॉच। इतना जल्दी नहीं कर सकते। आप क्या शेयर करेंगे, कोई रेसिपी, कोई ब्यूटी टिप, गाना भी सुना सकती हैं? मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे मुल्क में जो हालात चल रहे हैं ना, उसके हवाले से यही है कि हमारी जो कौम है, हम एक मुस्लिम मुल्क में हैं, हम अक्सर जाते हैं बाहर, हम भी जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त होती हैं। तो जिस तरह कोरोना हमारे ऊपर फैला हुआ है, मैं आज भी रास्ते में बात कर रही थी अपने ड्राइवर से, मैंने कहा कि अगर हमारे मुल्क में ऐसी मैं आज गई थी तो वहाँ मैंने ऐसी चीज़ें देखी कि जैसे बंदा बाहर के मुल्क आया हो। मैंने कहा अगर ये चीज़ें हमारे मुस्लिम मुल्क में होंगी तो फिर अल्लाह का अज़ाब नहीं आएगा तो और क्या आएगा। मेरी तरह से ये है पूरी कौम को कि अगर आप जितना भी हो सके ना दुरूद पाक पढ़ें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह देखें कि हमारे मुल्क से ये मुसीबतें कैसे ख़त्म होती हैं और अपने आप को थोड़ा सेफ़ करें। ठीक है जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। व्यूवर्स, लोगों के साथ चैट का गपशप का सिलसिला जारी है, हम खूब इंजॉय कर रहे हैं, उम्मीद है कि आप लोग भी हमारे इस प्रोग्राम को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो कहीं मजा आएगा, हम आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आइए हम कुछ मजीद लोगों की जानिब चलते हैं, उनसे चैट करते हैं। आइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हमजा खालिद। आपका नाम? हनान राय। आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैं वैसे ही घूमने फिरने आया हूँ। आपने बैग पहना हुआ? यूनिवर्सिटी से आ रहे हो? नहीं, अकेडमी से आ रहे। अकेडमी से? क्या आप क्या पढ़ रहे हो? MS कर रहे हैं। MS कर रहे हो, किस सब्जेक्ट में? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस, रफ सा नहीं लगता ज़्यादा? नहीं नहीं है, अच्छा है सब्जेक्ट, फील्ड है फिर। आपकी फील्ड है,
आगे क्या करने का प्लान है, किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में काम करने? इंशाल्लाह अल्लाह करे कि आप काम करें। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि ऐसा क्यों होता है, खातीन के बारे में कुछ पूछूंगी, कि आपके घर की लेडीज़ जब किसी के घर जाती हैं तो दरवाजे पर रुकती हैं, जब जैसे कि घर से निकलने लगती हैं, मिल लेते हैं सबसे, तो उन्हें बातें याद आ जाती हैं बहुत ज़्यादा, ऐसा होता है आपकी खातीन इस तरह करती हैं आपके घर की? नहीं करती, झूठ मत, सभी खातीन नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती, लेकिन जो करती है उनके बारे में सामने नहीं करती, आपके सामने नहीं करती। वैसे वो सुना हुआ है कि ना वो जो दो लेडीज है ना आपस में बैठ जाएं तो वो चुप करके नहीं बैठ, तो लेकिन ये है कि जब किसी के घर से निकल रही होती है उन्हें दरवाजे पर भी बड़ी बातें याद आती है। ऐसा इस दुनिया में रहते हो, पाकिस्तान में नहीं रहते? लाइफ है, लाइफ है, तो आप लोगों को ये चीज़ कमी देखने को मिलती होगी शायद, फिर आपकी मामा आपके सामने नहीं करती होंगी कि बच्चा बुरा ना मना जाए, बस सीधी तरह इसके साथ कहीं जाओ और वापस आ जाओ। अच्छा आप मुझे बताओ कि हॉस्टल लाइफ कैसी होती है, क्या पर्क्स हैं उसके और क्या ड्रॉबैक्स हैं? पर्क्स बहुत बेहतरीन लाइफ है। अच्छा मैं कहता हूँ इससे बेस्ट तो कोई लाइफ ही नहीं है। अच्छा तो फैमिली के साथ नहीं ज़्यादा अच्छा लगता? फैमिली के साथ क्यों, किसे नहीं अच्छा लगता फैमिली के साथ? फिर उस हॉस्टल लाइफ ख्वाहिश है, आप दोस्तों के साथ जब मर्जी निकले जाओ, मर्जी जो किया करें। अच्छा, जनरल नॉलेज कैसा है? बस एवरेज है। एवरेज है। दुनिया का ऐसा कौन सा मुल्क है जिसमें कोई दरिया नहीं है? नहीं रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क कौन? रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा जनरल नॉलेज से है ना हमारा कॉमन सेंस कैसे है? कोई तल हॉस्टल में बैठ के क्या करते रहते हो, पढ़ते नहीं? पढ़ने का जनरल नॉलेज से क्या ताल्लुक है? पढ़ने का ताल्लुक ये है कि आपको नॉलेज तो होना चीजों की। नॉलेज यार ये कंप्यूटर की फील्ड है ना, तो हमें वहाँ का पता होगा या यहाँ का? उसमें सब्जेक्ट्स नहीं होते उसमें, इस्लामियत, उर्दू, ये चीजें, पाक स्टडीज। उर्दू तो कब, वो तो होते ही है ना। उर्दू कब की खत्म हुई है? 7th 8th में पढ़ी थी। 7th 8th में पढ़ी थी, भूल गई। अच्छा आप मुझे पहेलियां पूछो आपसे, तो दिमाग का काम है ना, दिमाग चलता है कि नहीं? चलता तो है। सदा से चलना उसका काम, सर पर पड़े तो वो बदना। जवाब दे। उसका काम सर पर पड़े तो वो बदना। तीन लफ्जों से का मैं हर्फ हूँ, ठीक है, और तीन हर्फों का मैं लफ्ज हूँ, बच्चों का मैं साथी हूँ, मेरी वजह से वो मार खाएं फिर भी सदा से मैं कायम हूँ। अच्छा आप क्या शेयर करोगे, कोई गाना, कोई शायरी, कुछ शेयर करें? उनको क्यों कह रहे हैं आप शेर व शायरी? दूर दूर तक कोई तलक नहीं। और टंग क्रिस्टल करवाती हूँ आपसे, मैं कुछ अल्फाज बोलूँगी, उनको आपने 5 दफ़ा रिपीट करना है, ठीक है? आई विश टू वॉश माई आयरिश रिस्ट वॉच। अब ये तो आना चाहिए नहीं है, आप करेंगे, आप क्यों नहीं? मैं आई विश टू वॉश आयरिश रिस्ट वॉच। My Irish wristwatch. Wristwatch. I wish. पांच दफा बोल। I wish to watch my Irish wristwatch. 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 I wish to. I wish. Oh, sorry. ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। आपसे बात करके अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फातिमा खालिद। बच्चा आपका नाम? आयशा सिद्दीक। आपका नाम? नाम क्या है आपका? दुमाश। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि ऐसा क्यों होता है कि खातीन जब किसी के घर से निकलने लगती हैं टाइम स्पेंड करने के बाद, तो उन्हें सारी बातें दरवाजे पे खड़े होकर याद आ जाती हैं? क्योंकि अंदर टाइम नहीं मिलता। क्यों टाइम नहीं मिलता, इतना टाइम होता है, आप बातें कर सकते हो, इतनी बातें कर सकते हो अंदर में। उस वक्त बस कोई और बात याद आ रही होती है, दूसरी बातें भूल जाते हैं। आपने देखा ऐसे होता है ना? जी। ऐसा क्यों कि मामा से तंग नहीं होते? मामा इस तरह क्यों करते? नहीं नहीं आते, खुद भी बातों में लग जाते? नहीं। फिर मुस्कुरा बहुत रहे थे। अच्छा जनरल नॉलेज कैसी है आपकी? बिल्कुल अच्छी नहीं। कोई बात नहीं। दुनिया का ऐसा कौन सा मुल्क है जिसमें कोई दरिया नहीं है? पता नहीं। नहीं पता, क्यों नहीं पता? बताया ना जनरल नॉलेज थोड़ा। कॉमन सेंस कैसी है? पहली पूछो। चलें पूछ लें। आपने सोचना है, ठीक है? सदा से चलना उसका काम, सर पर पड़े तो वो बदनाम। बारिश? नो, सर पे पड़ती है तो बदनाम होती है, चलती भी है।
क्या शेयर करेंगे आपको ब्यूटी टिप को रेसिपी? नहीं बच्चे पोइम सुनाएं। बच्चों पोइम सुनाएं। आलू के चालू मिया कहाँ गए थे, सब्जी की टोकरी में सो रहे थे, बैंगन ने टांग मारी रो रहे थे, गाजर ने प्यार किया हंस रहे थे, मटर से कीड़ा निकला डर के भाग गए थे। बहुत शुक्रिया आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रायहा। आपका नाम? मिनाहिल। हमदा हो रही। आप क्या कर रहे हो सब यहाँ? मैं स्टडी कर रही हूँ, 9th में हूँ। यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ पर तो विंडो शॉपिंग करने आए। विंडो शॉपिंग क्यों? ऐसे इसी मौसम अच्छा इंजॉय करने आए। भाभी के लिए भी कुछ शॉपिंग करनी थी, ज्वेलरी वगैरह, उसके लिए जरा वैरायटी देखने आए थे। वैरायटी कैसी है? बहुत ज़बरदस्त है। शादी की शॉपिंग के लिए आना चाहिए फिर यहाँ पर? ज़रूर। आप क्या कहते हैं? शर्मा क्यों रही है ये? शर्मीली है, शर्मीली सिस्टर है। अच्छा जी, अच्छा शर्मीली। आप तीनों सिस्टर्स हैं? नहीं, हम कजन्स हैं। आप कजन्स हैं। आप मुझे ये बताएं कि ऐसा होता है कि खातिन जब किसी के घर जाती हैं तो वापसी पर जब मिलजुल लेती हैं तो दरवाजे पे खड़े होकर उन्हें बड़ी बातें याद आ जाती हैं, ठीक है, करने के लिए। ऐसा क्यों होता है? पहले वो अपनी गपशप में मसरूफ होती हैं, चुगलियों में मसरूफ होती हैं, बाद में उनको बातें याद आ जाती हैं अपनी। मेन जो मेन करने वाली मेन जब आते थे वो दरवाजे पे। ओ सच, ये तो बताया। सच सच ये भी बताना था। किस पे शॉपिंग करना जरूरी होता है? देख खातिन का पूछ रही हूँ। हाँ बातें बहुत करती हैं। अच्छा, और बातें रह जाती होंगी वो आके वापस करती है। जनरल नॉलेज कैसे है आपका? बहुत ही फजूल है। चलिए आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं फिर भी। दुनिया का ऐसा कौन सा मुल्क है जिसमें कोई भी दरिया नहीं है? नहीं पता, मेरे से कोई और क्वेश्चन पहली पूछू आप दोनों से? पूछे कोई अच्छी सी। तीन हर्फों से मैं बना हूँ, ठीक है, बच्चों का मैं साथी हूँ, मेरी वजह से वो मार खाए लेकिन फिर भी सदा से मैं कायम हूँ, क्या होगा? खेल। क्वेट। कवेट किसका? किसी से लगता है पूछ के आई हूँ और आते ही कवेट किसका? ये भी पूछना था कि किसका सवाल ये कौन सा है? आप बताओ जो मैंने पहली पूछी है उसका। मुझे नहीं पता। सदा से चलना है मेरा काम, सर पर पड़े तो वो बदनाम। नहीं मेरे से कोई क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन ही तो पूछा था आपसे। पहली नहीं। अच्छे वाला क्या, ये फनी तो था। नहीं आपको आ नहीं रहा ना। चलो टन ट्विस्टे करवा लूँ आपसे, कुछ अल्फाज बोलूँगी उनको आपने 5 दफ़ा रिपीट करना, ठीक है? आई विश टू वॉश माई आयरिश रिस्ट वॉच। सॉरी समझ नहीं पूरा मैं बोल देती हूँ, उसके बाद कहती समझ नहीं आई। इजी वाला। आई विश टू वॉश माई आयरिश रिस्ट वॉच। I wish to wash my iris wristwatch. 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 I wish to wash. Watch कुछ तो try कर। I wish to wash my Irish. Watch. I wish to wash my wrist watch. इतना easy है, इतना आप समझ के करने की कोशिश। I wish to wash my wrist watch. Irish wrist watch. I wish to wash my wrist watch. अच्छा आप share क्या करोगे? क्या share करेंगे? कोई beauty tip भी share कर सकते हो, गाना भी सुना सकते हो, शायरी भी सुना सकते हो। गाना आता है आप ऐसे किसी को? चलो फिर सुनो। पाकिस्तानी गाना सुना दो कोई मजे का, या जो भी गाना आता है सुनो। आप बताएं कौन सा सुना। जा तुझे माफ किया, या मुझे मेरे जहन में भी यही आ रहा है, पता नहीं जो अजय जो आपको बेस्ट आता है। बारिश हो तेनू तकिया होश ही भुल गए, गरम गरम चा हथ ते डुल गई, हथ ते डुल गई चा सजना, ऐसी तेरी निगाह सजना, जांदी जांदी दसती जा तू दिल दे विच की तेरे, दिल दे विच की तेरे। मैं सुनिया उच्चिया दीवारा रखिया,
अच्छा गाना गाया है आपने, आप क्या शेयर करोगे? कुछ ब्यूटी टिप शेयर कर दें आप। क्या? कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ वाटर यूज़ किया करें स्किन वुमेन्स के लिए। स्किन के लिए, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सो व्यूवर्स, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है कि आपने आज के इस प्रोग्राम को खूब इंजॉय किया होगा। आज के प्रोग्राम के हम क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन था कॉमन सेंस का, वो ये था कि तीन हर्फ से मैं बना हूँ, बच्चों का मैं साथी हूँ, बच्चे मेरी वजह से मार खाएं फिर भी सदा से मैं कायम हूँ, वो है नॉइज़, यानी कि शोर। बच्चे शोर मचाते हैं, मार भी खाते हैं इस वजह से, लेकिन फिर भी शोर मचाते रहते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन ये था, सदा से चलना है उसका काम, सर पर पड़े तो वो बदनाम, उसका आंसर है जूता। और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस की बात करें कि दुनिया का ऐसा कौन सा मुल्क है जिसमें कोई दरिया नहीं है, उस मुल्क का जो नाम है कुवैत। और दूसरा हमारा आंसर क्वेश्चन ये था कि रकबे के एतबार से दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क कौन सा है, उस मुल्क का नाम है कजाकिस्तान। सो व्यूअर्स, ये सवालों के जवाब थे। इसके साथ ही आपकी अपनी होस्ट जाज़िबा मलिक को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।